Finally. वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है बीकानेर से, और मेरे साथ आज फिर से है चाचू। और हम लोग अभी आए हुए हैं बीकानेर किसी काम से। तो अभी का सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं बीकानेर में एक जगह पे, और आप लोगों को मैं आगे का सीन दिखाता हूँ, यहाँ का जो ट्रैफिक है वो कैसे रन करता है, कैसा बीकानेर का सीन आ रहा है आप लोग देखो। गाइज अभी हमने गाड़ी रोकी है बिकॉज ये जो जगह है सामने, आप लोग जो जगह देख रहे हैं ये यहाँ की बहुत फेमस जगह थी पहले के टाइम में। अभी आप लोग देख सकते हैं इसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है बिकॉज अभी इसकी साफ़ सफाई बंद हो चुकी है। और सामने जो आप लोगों को चीज़ दिख रही है गाइज वो है जूनागढ़ किला, जो कि वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं इस किले को देखने के लिए, ये जो प्लेस है इन सब प्लेसेस को देखने के लिए। तो वो जो प्लेस है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा क्लोज जाके दिखाता हूँ बिकॉज अभी हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और वो अभी कर रखा है बंद। तो मैं उसका थोड़ा सा क्लोज जाके और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ का क्या सीन है। तो चलते हैं उस एरिए पे, और ये है सूर सागर, इसको बोलते हैं सूर सागर। इस प्लेस का जो नेम है वो है सूर सागर। पहले के टाइम पे यहाँ पे बोटिंग भी थी, मतलब लोग जो आते थे यहाँ पे देखने के लिए वो यहाँ पे इस सब एरिया में बोटिंग कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम में कोरोना के चलने से सब साफ सफाई वगैरह सब कुछ बंद हो गया गाइस। तो अभी मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड फेमस प्लेस जूनागढ़ किला। गाइस पीछे है जूनागढ़ फोर्ट, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, और जस्ट इस साइड में हम लोग अभी रास्ते से आए हैं वो था सूर सागर। तो अभी के टाइम पे कोरोना चल रहा है तो अभी ये सब बंद हो रखा है बिल्कुल, तो अंदर जाके मैं आप लोगों को विजिट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा प्लान तो यही था कि मैं जाऊंगा अंदर, लेकिन यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे ऑनलाइन नहीं मिला और अंदर का सीन जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाय द वे और कभी हम फिर से आएंगे यहाँ पे और आप लोगों को यहाँ का जो सीन है वो मैं ज़रूर से दिखा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग खड़े हैं जूनागढ़ फोर्ट के बाहर के एरिए पे बिकॉज अंदर अभी जो है इसकी एंट्री बंद कर रखी है, और जस्ट बाहर की साइड में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पब्लिक पार्क में और मेरा है फर्स्ट, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मुझे मेरे लायक कुछ मिलता है खाने को या नहीं। गाइस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं पब्लिक पार्क के अंदर, और ये यहाँ का बीकानेर का बहुत फेमस पब्लिक पार्क है। फ्रेंड्स ये है बीकानेर का पब्लिक पार्क और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आई लव बीकानेर बिकॉज ये पब्लिक पार्क है जो बीकानेर की मोस्ट फेमस प्लेस है, और यहाँ पर आई लव बीकानेर लिखा हुआ है बिकॉज ज़्यादातर जो जनता है बीकानेर की वो इसी जगह पे आती है, विजिटेड प्लेस है यहाँ का। गाइस ये जो जगह है ये आती है पब्लिक पार्क के निकलने के टाइम पे, और ये सामने आप लोग देख पा रहे होंगे एक छोटी सी ट्रेन बनी हुई है जो कि है बच्चों के लिए, किड्स आते हैं यहाँ पर थोड़ा प्लेइंग के लिए, और ये जो ट्रेन है वो पूरा राउंड घूम के आती है पब्लिक पार्क को, और एक राउंड लगा के आती है पब्लिक पार्क को। और मैं आप लोगों को अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो सामने लिखा हुआ है बीकाना जंक्शन बिकॉज मारवाड़ी लोग ज़्यादातर यहाँ पर बीकानेर में रहते हैं, और उन्होंने ही नाम रखा है बीकाना इस बीकानेर का, और इसी तरीके से यहाँ पर स्टेशन का नाम जो है बच्चों का वो भी रखा गया है बीकाना। ऐसा कुछ यहाँ से सीन आ रहा है पब्लिक पार्क का। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए बिकॉज मुझे भूख लगी है और अंदर पानी भी नहीं है, तो पानी पी के वैसे तो मैं मेरा टाइम पास कर सकता था बिकॉज क्योंकि घर पे तो चाय पी लेता हूँ तो ऐसा करके ज़्यादा भूख महसूस नहीं होती, और आज सुबह से घर से बाहर निकले हुए हैं तो थोड़ा बहुत भूख फील हो रही है। तो अभी हम लोग आए हैं छाछ पीने के लिए यहाँ पे, अगर फास्ट में मैं पी सकता हूँ तो मैं ज़रूर पीऊँगा इसको। खा नहीं पाएगा।
सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चीज है ये है बीकानेर का पत्थर, जिसको एक पोल पे खड़ा करके और वहीं पर फिक्स किया गया है। बिकॉज ये है पब्लिक पार्क, और बीकानेर की जितनी भी जो जगह होती है, जितना भी जो बीकानेर में देखने लायक है, उसकी कुछ ना कुछ निशानियां जो है वो पब्लिक पार्क में लगाई हुई है इन लोगों की। तो बहुत ही शानदार सीन मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं टैंक देखने, बिकॉज यहाँ पर मिलिट्री का एक टैंक फिक्स कर रखा है पब्लिक पार्क में, तो मैं वो भी इस व्लॉग में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे और नज़दीक से मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचने पर दिखाऊँगा। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं ये टैंक देखने के लिए। गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये होते हैं टायर टैंक के, चेन होती है ये बेसिकली। ये है इसका पूरा इंजन जिससे ये चलता है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैं हूँ थोड़ा ऊंचाई पे सरफेस एरिया से, और मैं चढ़ा हुआ हूँ टैंक की टॉप के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा टैंक है इस साइड में। अभी मैं हूँ टैंक की टॉप के ऊपर, बिकॉज मुझे कुछ सीन्स लेने थे, कुछ फोटोज लेनी थी, तो मैं चढ़ा था यहाँ पे। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से पूरा का पूरा टैंक पूरा विजिबल है, बस ये टॉप का जहाँ पर मैं बैठा हूँ इतना सा एरिया थोड़ा सा विजिबल नहीं है, बाकी पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर विजिबल है। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, और ये जो टैंक है वो इंडिया का टैंक बिल्कुल नहीं है, ये है पाकिस्तान का टैंक, जो कि शायद से किसी वॉर में इंडिया ने जीता था। टैंक के अंदर का सीन अभी के लिए कुछ ऐसा है, तो इसका फ्लोर तो है नहीं, सीधी ज़मीन दिख रही है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस पड़े हैं नीचे खाए हुए लोगों के। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए थे यहाँ पर टैंक की शूटिंग के लिए, और यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारा वीडियो देखा, बिकॉज अभी मेरा नया चैनल है, फिर भी इन लोगों के पास में मेरा वीडियो पहुंच चुका है, और पीछे जो लोग हैं वो भी यहीं के ही हैं। तो हेलो कर दो भाई। फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम, बिकॉज हमारा बीकानेर का काम हो गया कंप्लीट, और जहां हमें एक्सप्लोर करना था वो भी हमने कर लिया है, वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हमारे घर की ओर, और हमारा जो घर है वो यहाँ से अप्रोक्स पड़ता है 150 किलोमीटर। तो चाचू ड्राइविंग कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। तो रास्ते में अगर कुछ नया मिला हमें देखने लायक तो मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के मत जाना, और यहाँ तक देख लिया तो आगे देख ही लेना, बिकॉज आगे तो थोड़ा ही पार्ट बचा है अभी। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं बिकॉज सीन बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी शूट कर देता हूँ। तो सन की जो रेज है वो बिल्कुल आंखों में गिर रही है, बिकॉज सनसेट की तैयारी में है, और यहाँ का जो सीन है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस अभी का सीन ये है कि हमारी जो रोड है वो है बहुत ही ज़्यादा बेकार रोड, तो वैसे सुबह भी यही थी, बट सुबह तक हमारी बॉडी में थी एनर्जी, और अभी हम लोग बिल्कुल थक गए हैं क्योंकि कंटिन्यू एक घंटा हो गया इस रोड पे, और हमारी गाड़ी 40-30 के अंदर ही घूम रही है, और 40-30 के अंदर का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ तीसरे गियर में मेरी गाड़ी को चला रहा हूँ। और ये रोड का सीन आप लोग देख सकते हैं कितने गहरे गहरे खड्डे इस रोड में हैं। फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं ये इस तरह के जो झोपड़े देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये राजस्थान की परंपरागत जो लिविंग स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप, मतलब जो जीवन शैली थी लोगों की, इस तरह की झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। आज राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स बहुत ही कम जगह है जहाँ पर हमें इस तरह का कल्चर देखने को मिलता है। मैं सल्यूट करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से इन सब लोगों का जो हमारे राजस्थान के इस ट्रेडिशनल कल्चर को अभी भी जीवंत बनाए हुए हैं, इन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जीवित है आज।
अभी आप आगे की रोड देख सकते हैं, ये हाल है, देख लो आप। इस रोड से हम लोग घर जा रहे हैं और अब हमें 1.5 आवर हो चुका है इस रोड पे। आगे तो रोड ठीक आ जाएगी, मतलब गंगानगर जिले के अंदर रोड है वो ठीक है, बीकानेर की रोड थोड़ी जो है वो ख़राब है। और आगे भी हमारी गाड़ी जा रही है, आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से वो गाड़ी भी खड्डों को कवर कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे खड्डे हैं। एक हाथ को हाफ कर लो उतना गहरा एक खड्डा यहाँ पर है। आप लोग हमारे सामने देख सकते हैं डेजर्ट, तो थार डेजर्ट का ये पूरा एरिया है और मैं जा रहा हूँ इस डेजर्ट के ऊपर। पीछे पीछे आ रहे हैं चाचू। तो गाइस ये जो मिट्टी है टिब्बों की मिट्टी है, जो मतलब अगर ये मिट्टी कपड़ों पे लग भी जाएगी ना तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, वापस ये झड़ जाती है। और बाकी जो मिट्टी होती है वो चिपक जाती है, पूरे कपड़े ख़राब कर देती है। ये मिट्टी अगर बालों में भी फंस जाती है ना तो ये अपने आप से निकल जाती है हवा आते ही। तो इनको हमारी यहाँ की देसी भाषा में बोलते हैं फोग। और देखो मेरे पैर जो हैं वो स्लिप हो रहे हैं, बिकॉज मिट्टी बहुत ही ज़्यादा स्लिपी है ये, क्योंकि टिब्बा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ गाइस। चढ़ेंगे तो चाचू जा रहे हैं ऊपर। मैं भी जाता हूँ। Try, but don't cry. ये दो झाड़ के बीच में से जा रहा हूँ गाइस। वो मेरे जूते के अंदर मिट्टी। Finally, हम लोग यहाँ पर चढ़ चुके हैं। कैसा फील हो रहा है? पैर दुख रहे हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद में चढ़ चुके हैं ऊपर और दोनों के सांस बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं। तो यहाँ से जो नीचे का सीन है बहुत ही ज़्यादा एपिक आ रहा है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और एक और मस्त चीज़ आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेगी, वाटर सा, तो वो भी बताता हूँ कि क्या है। हम लोग इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं और वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और वो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है गाइस इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ, हम लोग इंदिरा गांधी नहर के बिल्कुल पास के डेजर्ट पे खड़े हैं और सनसेट भी होने वाला है। तो गाइस ये रहे हमारे फुटप्रिंट्स और देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था हमारे लिए, बिकॉज हमने कभी भी इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं की है। और यहाँ से डेजर्ट आप लोग देख सकते हैं। मैंने कितने सारे फुटप्रिंट्स डाल दिए यहाँ पे। और ये मिट्टी हमें एक और चीज़ बताती है, वो है कि हवा किस डायरेक्शन में है। तो अभी हवा जा रही है उस साइड में। फ्रेंड्स थोड़ी बहुत मिट्टी मैं भी उड़ा लूं। वाओ, ये देखो ये जो मिट्टी है बस हाथ झड़काते ही साफ, मतलब कपड़ों पे या कहीं भी चिपक जाएगी ना ये मिट्टी, अगर बालों में भी लग जाएगी ना तो अपने आप से जैसे ही हवा लगेगी वैसे ही ये मिट्टी निकल जाती है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वापस और नीचे जाने का जो मज़ा है वो अलग ही है, बिकॉज ऊपर चढ़ने में जितना हमें जोर आया है वो सारा का सारा नीचे जाने में इजी हो जाएगा। तो मैं नीचे का शूट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये गाइस कैसे पैर जम रहे हैं, फिसल रहा हूँ भाई। ओ गाइस पूरे जूते के अंदर मिट्टी। फाइनली मेरे साथ हो गया एक सीन। मैं जब उतर रहा था तो उतरते टाइम वहां से, मतलब
इस जगह से डायरेक्टली मेरा फ़ोन उछला और यहाँ गिरा नीचे। तो यहाँ पे मेरे फुटप्रिंट्स पड़े हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मेरा फ़ोन गिरा। बस बच गया गाइस, बच गया। मैं फ़ोन से शूट कर रहा था तो फ़ोन मेरा गिर गया। और अभी हमारे जूतों के अंदर चली गई है मिट्टी, तो मैं वो निकालता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जूतों का हाल। मेरे सॉक्स का हाल भी आप लोग देख सकते हैं, इतना बुरा हो गया है। और शूज़ तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, अभी इनको साफ़ करके फिर मैं निकलूँगा घर की ओर। सनसेट होने ही वाला है और हम लोग निकल रहे हैं अब हमारी घर की ओर। और हम लोग अभी थे इस वाले डेजर्ट पे, यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिरे और अब हम जा रहे हैं घर पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा घर पहुँच। फाइनली रोड जो है वो ठीक हो गई है और टूटी फूटी रोड से हमारा पीछा छूट गया है। और अभी यहाँ से हमारा घर पड़ेगा 15 to 20 किलोमीटर। तो हम लोग जा रहे हैं घर पे और मेरा मोबाइल भी डाउन हो गया है, तो इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है गाइस। सो होप करता हूँ आपको आज वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, बिकॉज आज हमने हमारे थार डेजर्ट को, बीकानेर को और भी दो तीन ऐसी प्लेसेस जो आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, उन सबको हमने इस व्लॉग में कवर किया है। तो होप करता हूँ कि आज वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरे आने वाले नए नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।